हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव सिंह और आप का स्वागत करते हैं हम टेलियानो पर, और उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोस को आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और उस वीडियो को अपने बुक से रिलेट कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उस समस्या को लिखें। प्लीज राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स देयर एंड वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स, ओके, एज सून एज पॉसिबल। Okay, so today I want to start your next chapter, that is diversity and discrimination, the second chapter of unit 1 class 6 NCERT, that is diversity and discrimination. In the previous chapter we have already studied about the diversity. What is diversity? Diversity kya hai? Isko humne pehle wale chapter mein padha, samjha. Bahut sare example bhi humne rakha. डाइवर्सिटी इज नथिंग बट क्या, एक जगह पर एक स्थान पर एक राज्य में एक देश में अलग अलग तरह के लोग निवास करते हों, उनकी भाषा अलग हो, उनकी जीवन शैली अलग हो, लाइफस्टाइल अलग हो, वे ऑफ कम्युनिकेशन अलग हो, लैंग्वेज अलग हो, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। मीन्स जो चेंजेस है, इफ इट इज अवेलेबल, That is called diversity. Everywhere. किसी को लैंग्वेज डाइवर्सिटी बोल सकते हैं, एजुकेशनल डाइवर्सिटीज आर ऑल्सो देयर, लिटरेसी डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी, मीन्स जो जो जिन जिन चीजों में लगता है आपको कि उतार चढ़ाव होते हैं, जिनमें अलग अलग होने की संभावना हो, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है भेदभाव करना। जैसे कि किसी का रंग काला है, किसी का गोरा है, समवन इज फेयर, समवन इज डार्क, देन किसी को हिंदी बोलनी आती है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, सो दिस इज ऑल्सो अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज बट इट क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप महाराष्ट्र में जाते हैं और आपको हिंदी भाषी है तो बताया जाएगा कि आप उत्तर प्रदेश से हो सकते हैं, बिहार से हो सकते हैं, मध्य प्रदेश से हो सकते हैं। वही मराठी अगर बिहार या उत्तर प्रदेश या दिल्ली में रहता है तो बोला जाता है इसकी लैंग्वेज मराठी, इसलिए मराठी है। बट द प्रॉब्लम इज दैट डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अ बैड थिंग, भेदभाव बुरी चीज नहीं है, लेकिन इफ इट हर्ट्स, किसी को अगर ये दुख पहुंचाता है, देन इट्स नॉट गुड। डिस्क्रिमिनेशन अच्छी बात नहीं है, समझ गया? तो इसमें आपको ऐसे समझना है कि डाइवर्सिटी लीड्स टू द डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन इट कैन बी चेंज, इट इज चेंजिंग एज पर द टाइम और डिमांड ऑफ द टाइम। बदलाव हो रहा है, एक ही कंपनी में अलग अलग जगहों के लोग काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं, हो सकता है मैनेजर मराठी हो, उसका जो सीईओ हो वो बिहारी हो, या हो सकता है उसका जो प्रोडक्शन मैनेजर हो वो हो सकता है क्या उत्तर प्रदेश से हो या मलयालम हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी, डाइवर्सिटी के बावजूद भी चीजें अच्छी तरह से चल रही है। इसका मतलब यह है कि डाइवर्सिटी हमेशा डिस्क्रिमिनेशन को जन्म नहीं देती है, यानी भेदभाव को जन्म नहीं देती है। इट डिपेंड्स अप टू आवर मेंटल स्टेटस, हमारा दिमाग हमारी सोच पर निर्भर करती है, समझिए। तो इसको लेकर के सेकेंड चैप्टर में यह पढ़ाया गया है कि डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन क्या है, और हम इसको सिविक्स में पढ़ते, नागरिक शास्त्र में पढ़ते, ताकि हम ये समझ पाए कि चीजें अलग अलग होने के बावजूद भी किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किस तरह से एक दूसरे से लगा हुआ है। आइए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला टर्म है, देट इज डिफरेंसेस एंड प्रेजुडाइज, ओके। सो प्रेजुडाइज जो है ये क्या है और डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस को आप ऐसे समझ रहे इंडियन कॉन्टेक्स्ट कि यहाँ पे 1600 लैंग्वेज है, मदर टंग उनकी हो सकती है, रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, एनीथिंग माइट बी पॉसिबल, सो फॉर दैट पर्पस इट क्रिएट्स डिफरेंसेस, ये डिफरेंस क्रिएट करता है। देन जब बात हम करते हैं डांस फॉर्म्स, या मोर देन 100 डांस फॉर्म है इंडिया में, अब हम ये कह सकते हैं कि जो ये अपने हेमा मालिनी है उनको अच्छी तरह से आता है, भरतनाट्यम आता है,
वो डांस करती हैं, शी इज गुड डांसर। कुछ को अलग डांस फॉर्म आता है, यानी कहने का मतलब है कि डांस फॉर्म इज ऑल्सो डिफरेंस एंड इट क्रिएट्स डिफरेंसेस। समझ आ रही है? आपने बहुत सारी डांस को देखा होगा, उसमें हर एक डांसर का स्टाइल अलग होता है, अपना अपना एक अंदाज अलग होता है। समझ रहे हैं? सो दिस क्रिएट्स यूनिकनेस, एंड यूनिकनेस मीन्स समथिंग इज डिफर और डिफरेंट। ओके, देन डिफरेंस ऑलवेज, और यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड डिफरेंस बाय समवन्स टॉक, कि वो किस तरह से बात करते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसा पहनते हैं, कैसी सोच रखते हैं, ये भी तो बट उनकी हाइट क्या है, उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनके स्पोकन क्या है। अंडरस्टूड? सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स विच इंडिकेट्स दैट कि जो बदलाव है, डिफरेंस है, वो क्या है, इसमें हमने बताया। ऑल्सो स्ट्रेंथ एंड अनफेमिलियर, कभी कभी आप ऐसी चीजें देखते हैं, ऐसी भाषा सुनते हैं जो कुछ भी समझ में नहीं आती हो। हो सकता है हिंदी भाषी लोग भोजपुरी समझ जाते होंगे, हो सकता है मगही समझ जाते होंगे, वो हो सकता है कि बुंदेलखंडी भाषा सीख समझ जाते होंगे, यानी जिसमें जो हिंदी का समावेश है, ओके, जो इन्फ्लुएंस है वो हिंदी का है, देन यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन इफ समवन विल रिप्रेजेंट, मराठी भी समझ सकते हैं आप अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो। क्यों? क्योंकि उस भाषा में भी हिंदी का समावेश है। जैसे कोई बोलता है, काय रे तुझा नाव काय, मीन्स व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि आपका नाम क्या है, यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज इफ यू नो हिंदी। अगर आप हिंदी जानते हो तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो ये चीजें क्या है, तो ऐसे में आपको, अगर आपको मलयालम बोल दें, तेलुगु बोल दें, तमिल बोल दें, देन यू विल फील स्ट्रेंज अनफेमिलियर। आपको बिठा दिया जाए, सपोज मान लीजिए वेस्ट इंडीज के साथ, या फिर किसी जर्मन के साथ, इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ जर्मनी, देन यू कैन नॉट टॉक, यू कैन नॉट कम्युनिकेट। सो उसमें आप अनफेमिलियर अपने आप को समझेंगे। समझ में आ रहे? और इसका उद्देश्य इंडिया में जाने के लिए अपने सब्जेक्ट में इसलिए रखा गया ताकि आप ये समझें कि इस देश में कितनी डाइवर्सिटी है, फिर भी हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ चलते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बताया कि वहां पर किस तरह से लोग स्वतंत्रता संघर्ष जो कर रहे थे, स्वतंत्रता के लिए भारत में जो संघर्ष, इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जो कर रहे थे, उसमें किस तरह से सभी प्रांतों के लोगों ने, सभी रीजन के टेरिटरी के लोगों ने इस तरह से इंटीग्रल अप्रोच लगा के ब्रिटिशर्स को यहां से भगा दिया। समझ में आ रही है? तो उसी तरह से हमें ये जानना है कि किस तरह से हमें डाइवर्सिटी और डिफरेंस को पहचानना है। लेकिन ये डिफरेंस आपको हार्म नहीं करेगी अगर आप समझते हैं तो। समझ में आ रही है? सो दिस इज अबाउट द स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर, आश्चर्य तो लगता है। देन एटीट्यूड एंड ओपिनियन ऑल्सो, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, हमारा ओपिनियन अलग होता है, किसी और ने जो अपना ओपिनियन दिया उसका ओपिनियन अलग हो सकता है। सो इट डिफर्स, ओके, प्लेस टू प्लेस, ओके, इट ऑल्सो डिपेंड्स अप योर मेंटल अप्रोच। अगर मैंने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए आपका ओपिनियन क्या है, तो इट विल डिफर देन द अदर्स अप्रोच। वो अगर बोलेंगे तो उनका अप्रोच अलग रहेगा। क्यों भैया? क्योंकि आपने जो बताया वो जो सोच है दूसरों की सोच से शायद मैच नहीं कर रहा हो, तो ओपिनियन जो होते हैं वो भी डिफरेंस करता है, एटीट्यूड भी। जैसे मोदी गवर्नमेंट इज वर्किंग, मोदी गवर्नमेंट का एटीट्यूड अलग है, जब प्राइम मिनिस्टर जब हमारे मनमोहन सिंह होते थे उनका एटीट्यूड अलग है, डोनाल्ड ट्रंप का एटीट्यूड अलग है, रामनाथ कोविंद का एटीट्यूड अलग है। इन लोगों को आप ऐसे समझ सकते हैं कि नो वन इज स्टैटिक, अंडरस्टूड, हर किसी की सोच अलग है, अलग धर्म है, अलग जाति है, अलग भाषा है, अलग स्थान है, समझ रहे, अलग अप्रोच है, एवरीथिंग इज डिफरेंट, फिर भी वी आर सस्टेनिंग इन द सेम कंट्री, इन द सेम वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि हमारा अप्रोच सही है, हम समझते हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस। नाउ प्रीजुडाइस इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है डेफिनेशन मैंने पहले बता दिया है कि मीन्स टू जज अदर पीपल निगेटिवली और सी देम एज इनफीरियर। यस्टरडेज न्यूज, इफ यू हर्ड अबाउट द सुशांत सिंह राजपूत, किसी का कहना है कि नहीं नहीं वो फिल्म स्टार थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कुछ लोगों का कहना था बहुत प्रेशर से था, उनको सुसाइड कर लिया, अब क्या कर सकते हैं। किसी के साथ भी प्रेशर होगा
तो वो क्या करेंगे सोसाइटी में, ऐसी बात नहीं है। वो फ्रस्ट्रेट थे, नहीं ऐसी बात भी नहीं है। अगर किसी ने कहा कि वो बहुत दिनों से इसमें थे, प्रॉब्लम झेल रहे थे, इसलिए उनको लगा क्या कि वी शुड एंड आर लाइफ, तो उन्होंने अपनी जिंदगी को अंत कर लिया। नो, दिस इज नॉट द वे। अब अलग अलग लोगों का विचार तो अलग है। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि किसी ने ये कह दिया, स्टार को इसी ने क्रिटिसाइज किया आपने, स्टार को नहीं करना चाहिए ऐसे, एक्टर को अगर इस तरह करेंगे तो बाकी लोगों का क्या है। समझ में आ रही है? यानी आप डिप्रेशन की जब बात करते हैं तो आप ये समझते हैं कि किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन निर्णय लेना गलत सही है वो पर्सनल चॉइस है। हो सकता तो उन्होंने बहुत सारी लाइफ का एक्सपीरियंस था, इतने अच्छे जगह पर थे, तो उनको सोचना चाहिए, उन्होंने नहीं सोचा क्योंकि उनका पर्सनल चॉइस था वो। इसीलिए इन्फेरिटी अगर कोई बताता है, आपको निगेटिवली जज करता है, सो दिस इज कॉल्ड प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस का मतलब ये होता है कि आपका पूर्वाकलन, पहले से आकलन कर लेना कि अगर ये राहुल गांधी बोलेगा तो इनकी भाषा में पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आती, मोदी जी कुछ अच्छा है गलत भी बोलते हैं तो आप लोग सीधा कहते हैं क्या, अरे यार प्राइम मिनिस्टर होता है साहब, यानी जजमेंट करते हैं आप, एनालाइज नहीं करते, डायरेक्ट जज करते हैं। सो दिस इज द मेन रीजन टू क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन। हम जानते हैं ये धोबी का लड़का है तो इसको भी धोबी बनना चाहिए, वो गटर साफ करता है उनके बच्चे को भी गटर ही साफ करना चाहिए, दिस इज कॉल्ड प्रेजुडाइस। हम उसको क्या कहें, क्रिटिसाइज करते हैं, निगेटिवली हम लेते हैं, अपने दिमाग पर निगेटिवली अप्रोच लगाते हैं। वो है तो वो चमार का बच्चा है तो वो चमार का ही काम करेगा, बिल्कुल गलत। आप जब सोचते हैं, इसीलिए आपको इस किताब में सिखाया गया है आपको इन सब चीजों से दूर रहना है। अभी देखिए, थोड़ा सा कोई गोरा हो गया तो बोलेगा अपन तो बहुत फेयर है, बहुत गोरे हैं, काला अरे यार क्या तुम काले, इन्फीरियरिटी इट ट्राई टू शो यू आर इन्फीरियर, नेगेटिवली रिस्पॉन्ड। रीजन, अरे आप बिहार से बिहारी हैं, आप बंगाल से बंगाली हैं, आप यार मद्रास से उड़िया, उड़ीसा से उड़िया है, इन्फीरिटी ट्राई टू शो दैम इन्फीरिटी। समझ आ रही है? रीजन बेस्ड। देन एसेंट दे स्पीक इन, कैमन आछे, आमी बांग्ला बोलछे, मतलब तुम बांग्ला से हो, हाँ मी पर मराठी आए, अच्छा तुम मराठी हो, मीन्स लैंग्वेज एंड द एसेंट इन विच दे स्पीक इज ऑल्सो वन ऑफ द की फैक्टर टू डिसाइड और प्रेजुडाइज कि भैया ये तो बंगाली होगा क्योंकि बंगला बोलता है, या हिंदी भी बोलता उसमें बंगाली टोन आता है, और हिंदी बोलता उसमें भोजपुरी टोन आती है, मीन्स ही इज बिहारी और शी इज बिहारी, सो इट ऑल्सो जज ऑन दैट बेसिस। क्लॉथ्स, कपड़ा, अरे हर बात पे टोपी पहन रहा है, क्या बात है, आई थिंक he is from Muslim background, means everything is indicator here which indicate that कि लोग किस तरह से होंगे। और इस चीजों को जो समझा जाता है, इनको कहा जाता है क्या, stereotype समझ सकते हैं आप इसे। अब यहां पर हम फिर से देखते हैं एक चीज कि जो दूसरा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग stereotype। इन सब चीजों के आधार पर लोग अपनी मानसिकता बदलते नहीं है, उस पर क्या करते हैं वो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो स्टीरियोटाइप का ब्रांड लगाते हैं। स्टीरियोटाइप क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैंने बताया, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज। वन इमेज मींस अरे इससे कैसे होगा, ये इनसे ना हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, सच अ काइंड ऑफ मेंटेलिटी, अरे बड़े बड़े गए भाई साहब से क्या होगा, अरे रानी लक्ष्मी बाई अलग बात थी, इनसे कैसे हो पाएगा, मीन्स यू प्रेजुडाइज कि इनसे ना हो पाएगा, प्रीवियस क्रिएटेड इमेज अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, अंडरस्टूड। अब इसमें क्या है, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप कि यहाँ पे सभी लोग अलग अलग पहले से मानसिकता तैयार रखते हैं, लड़की है इनको तो शादी करके दूसरे के घर जाना है, लड़का आ रही तो हमारा वंश चलाएगा, मींस क्या है, यू आर ट्राइंग टू पुट इन द सिंगल इमेज। अगर आप इस तरह करते हैं तो इससे क्या होता है कि समाज में जो डाइवर्सिटी है उसमें बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, लोग जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, डेविएट होने लगता है, डिफ्लेक्ट होने लगता है, लोगों का क्या उनसे ध्यान हटके किसी और चीज पे चला जाता है। जैसे मैंने बताया बचपन में
अगर घर पे बेटा होता है तो बहुत जश्न मनाया जाता है, क्यों भैया हमारा वंश को बढ़ाने वाला आ गया। बेटी होता है तो इस तरह का ये नहीं मनाया जाता खुशियां। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन विशेष चीजों की बात कर रहा हूं जो मुख्यतः होते हैं, विशेष लोग होते हैं जो बेटी के जन्मों में खुशियां मनाते हैं, और हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपकी समझ और सोच बदली है, इस स्टीरियोटाइप से बाहर निकल पाए हैं आप, समझ में आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। तो इन सब चीजों को समझा जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे इस चैप्टर का नाम रखा गया है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सो इस आधार पर ही हम आगे भी इसके टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और तब तक आप स्टोरी को पढ़ें, समझें, और इसका जो क्रिस्ट था वो हमने बताया, डिटेल जो था वो हमने बताया, हमने कोशिश किया कि क्या क्या इसकी जो पॉइंट्स हैं आ सकते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, हर एक चीज आप इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर एवरीथिंग इज रिटेन हियर, ओके, एंड यू कैन ऑल्सो गो विद योर एनसीईआरटी बुक, ओके, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। उसमें आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज उसमें दी गई है, समझ में आ रही है। और दूसरी चीज कि एज आई एम टेकिंग योर सिविक्स लेक्चर और सिविक्स क्लास एनसीईआरटी एंड आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, इसलिए हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलता हूँ ताकि चीजों को समझें। योर लैंग्वेज शुड नॉट बी योर बैरियर, आपका बैरियर लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, आपको समझना है, समझेंगे तभी तो आप यूटिलाइज कर पाएंगे अपनी पढ़ाई को। अगर आप एज अ प्रेशर यू आर स्टडिंग देन इट इज कम्प्लीटली यूजलेस, वर्थलेस, इसका कोई यूज नहीं। इसीलिए पढ़ें तो समझें, समझने से क्या होता है कि आप चीजों को दोबारा रिटेन करके उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मैंने बोला 1600 लैंग्वेज है यहाँ पर, तो आपके दिमाग में होना चाहिए हाँ 1600 लैंग्वेज यहाँ पे यूज हो रहा है इन इंडिया, तो आपको ये समझना है। अब ये नहीं 1600 लैंग्वेज, डोंट मग अप इट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इसको समझिए, इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह समझा और अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज बी कंटिन्यू ऑन माय ऑन आवर चैनल दैट इज टेरियानो, इट विल हेल्प यू टू ग्रो बिकॉज इट्स बिल्डिंग बॉन्ड बिल्डिंग फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टेरियानो। Tiriano, building bonds, building future.